हेलो दोस्तों, दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहे हैं टुडे करंट अफेयर। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और अभी तक स्टडी रोजगार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सरकार ने प्याज के निर्यात पर कितनी न्यूनतम निर्यात मूल्य तय की गई है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों $750 प्रति टन, सेकंड ऑप्शन है $850 प्रति टन, थर्ड ऑप्शन है $950 प्रति टन और फोर्थ ऑप्शन है $650 प्रति टन। तो इनमें से करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, $850 प्रति टन न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया है दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ने, किस पर दोस्तों, प्याज पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में केंद्र सरकार ने किस सूची से उन 312 सिखों का नाम हटा दिया है जो देश छोड़कर भाग गए थे? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों काली सूची से, सेकंड ऑप्शन है ब्लू स्टार सूची से, ऑप्शन सी प्रतिकूल सूची से, ऑप्शन फोर भगोड़ा सूची से। तो इसमें से करेक्ट आंसर दोस्तों प्रतिकूल सूची से इनका नाम हटा दिया है, जिनमें था दोस्तों ये 312 सिख थे दोस्तों जो देश छोड़कर भाग गए, इनका नाम प्रतिकूल सूची से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन टैप लाइसेंस व्यवस्था के तहत रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए न्यूनतम इक्विटी पूंजी कितनी निर्धारित की है? तो इसमें अपने पास ऑप्शन है दोस्तों 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ या 500 करोड़। तो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों 200 करोड़ तय की है रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए, जो न्यूनतम दोस्तों इक्विटी पूंजी होती है वो 200 करोड़ रुपए निर्धारित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 260 मिलियन वर्ष पहले एक नई जैव विलुप्ति खोजी है जिसे छठा मास एक्सटेंशन नाम दिया गया है, इसका क्या नाम है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी एंड गुआ डा लिपिनियन एक्सटेंशन नाम दिया गया दोस्तों इस नई खोजी गई प्रति को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजी जर्मन एवं रूस के स्टालिन के भय से 5000 से अधिक पोलिश लोग के लिए वालीवाड़े कैंप में शरण लिए थे, उन्हीं की स्मृति में यहाँ स्थायी संग्रहालय बनाया जा रहा है, वालीवाड़े कैंप किस राज्य में स्थित है? तो इसमें अपने पास ऑप्शन है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है मणिपुर, सेकंड है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र है दोस्तों, जहाँ पर वालीवाड़े कैंप की स्थापना की जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत के राष्ट्रपति ने किस देश में वेल्यूनिवे में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो हमारे पास ऑप्शन है आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और स्वीडन। तो इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों स्विट्जरलैंड में किया दोस्तों, हमारे जो राष्ट्रपति है उन्होंने, जो महात्मा गांधी है उनकी कांसे की प्रतिमा का उद्घाटन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस संगठन के छात्रों को IIT में 1000 PhD फेलोशिप देने की घोषणा की है? तो इसमें ऑप्शन है सार्क, सेकंड ऑप्शन है अफ्रीकी संघ, थर्ड ऑप्शन है मार्कोसुर, फोर्थ ऑप्शन है आसियान। तो इसमें करेक्ट आंसर है आसियान जो संगठन के छात्र है उन्हें 1000 PhD फेलोशिप देने की घोषणा की है भारत सरकार ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर है गुजरात, गुजरात के अंदर है दोस्तों
डायनासोर संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों पर आधारित पुस्तक का क्या नाम है जिसका दूसरा संस्करण हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है संस्कृति के साथ, सेकंड ऑप्शन है लोकतंत्र के स्वर, थर्ड ऑप्शन है देश की पहचान, फोर्थ ऑप्शन है समाज और संस्कार। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लोकतंत्र के स्वर है दोस्तों जो रामनाथ कोविंद है उनके जो भाषण आधारित जो पुस्तक है दोस्तों जिसका दूसरा संस्करण अभी उपराष्ट्रपति ने जारी किया है उसमें का दोस्तों लोकतंत्र के स्वर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2019 से सभी बैंकों के लिए नए फ्लोटिंग रेट लोन को किससे जोड़ना अनिवार्य कर दिया है? तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, एक्सटर्नल बेंचमार्क जो रेट है उससे जोड़ना अनिवार्य कर दिया है नए फ्लोटिंग लोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश का पहला मेक इन इंडिया मेट्रो कोच लॉन्च किया है? तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है जयपुर, फोर्थ ऑप्शन है वुहान। तो इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों मुंबई, मुंबई में लॉन्च किया दोस्तों मेक इन इंडिया मेट्रो कोच किसने दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आज की करंट अफेयर का वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से अपने दोस्तों को भी ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।